ओके तो वेलकम है सभी का पबजी मोबाइल की एक और वीडियो में। तो फिर आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि तुम लोग पबजी मोबाइल के लेटेस्ट वर्जन या फिर लेटेस्ट अपडेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और अगर तुम वैसे गेम को डाउनलोड करते हो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे जो तुम्हारा गेम होगा कभी भी लैग नहीं करेगा, साथ में अगर तुम जिस भी कंट्री से हो वहाँ पे जो गेम है सिर्फ वन क्लिक के अंदर डाउनलोड होगा। और इतना ही नहीं, अगर तुम जिस भी कंट्री से हो जहाँ पे तुम्हें गेम को वीपीएन लगा के खेलना पड़ता है, तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा अगर तुम उससे डाउनलोड करते हो जैसे जो तुम्हारा गेम है वो बिना वीपीएन चलेगा। बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ही मत करना, लेकिन वीडियो को बिना स्किप करे फुल एंड तक वॉच करना। तो गेम को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा तुम्हें कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाके और वहाँ से एक वीपीएन को डाउनलोड करना है। बाद में भले तुम वीपीएन को डिलीट कर देना, लेकिन जब तक इंस्टॉल करना है तब तक एक वीपीएन को डाउनलोड कर लो। देन वीपीएन को ओपन करके उसके अंदर सिंगापुर सर्वर या फिर किसी और सर्वर कनेक्ट करो जहाँ पे पबजी मोबाइल अवेलेबल हो। देन उसके बाद कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करो, तो मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ। तो सिंपल सा ओपन करके और वहाँ पे सर्च करना है पबजी मोबाइल। देन तुम्हारे सामने यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे ऑफिशियल साइट आएगा, तो तुम्हें उस पर टैप करना है और यहाँ पे वीपीएन लगा के रखना, तब यहाँ पे ओपन होगा। जैसे यहाँ पे ओपन हो जाता है, देन उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सिंपल सा एपीके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, जो कि जो भी तुम्हें डाउनलोड करना है वो सिंपल से तुम्हें यहाँ पे एपीके डाउनलोड पे क्लिक करके और सिंपल से यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। देन जैसे तुम्हारा गेम डाउनलोड हो जाता है उसके बाद सिंपल सा इसको इंस्टॉल करके और गेम को ओपन करना है, वीपीएन कनेक्ट करके, और देन जो भी तुम्हारी आईडी होगी उसको सिंपल सा लॉग इन कर लेना। देन उसके बाद तुम सिंपल सा गेम को कट करो और जो वीपीएन गड़ा होगा उसको डिलीट कर देना और फिर से गेम को रीस्टार्ट कर दो। देन उसके बाद होगा क्या, जो तुम्हारा गेम होगा वो बिना वीपीएन का चलेगा, साथ में बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा। और बाकी अगर तुम्हें ये जो मैंने मेथड बताया वो अगर तुम्हें हार्ड लग रहा है, तो सिंपल सा एक और मेथड बताता हूँ। सिंपल सा तुम टेलीग्राम को जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, सिंपल सा व्हाट्सअप जैसा है तो उसके अंदर भी अकाउंट बना लेना। और मैंने जो भी अपना टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट पे दे रखा है, तो उस पर टैप करके सिंपल सा वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैंने एपीके अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। और अगर फ्यूचर में कोई और अपडेट आएगा उसका भी एपीके मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। जो भी तुम्हें ईजी लगता है वैसे कि तुम डाउनलोड कर लो। बाकी तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। होप तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी ये वीडियो अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी वीडियो के लिए। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।